नमस्कार, वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर श्वेता है आपके साथ। बंगाल में भड़की हिंसा की आग अब तक शांत नहीं हो पाई है, और वहीं बंगाल में अलग अलग राजनीतिक दलों के मंत्रियों की बयानबाजी इस मामले को और गर्माती जा रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की नेता रूपा गांगुली के विवादास्पद बयान के बाद एक बार फिर एक नेता ने विवादित बयान दिया है। दरअसल रूपा गांगुली के बयान का जवाब देते हुए तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। पहले आपको बताते हैं कि रूपा गांगुली ने क्या बयान दिया था। बंगाल हिंसा पर रूपा गांगुली ने कहा था कि टीएमसी और कांग्रेस के नेता अपनी पत्नी और बेटियों को 15 दिनों के लिए बंगाल भेजकर देखे कि वो रेप से बच जाती है क्या। रूपा के इस बयान को देने भर की देर थी, जिसके बाद राजनीति बंगाल में और गर्मा चुकी है। रूपा के इस बयान का जवाब देते हुए टीएमसी नेता और मंत्री शिवेंद्र देव चटर्जी ने रूपा से पूछा कि बंगाल में रहते हुए उनका कितनी बार रेप हुआ। शिवेंद्र देव ने कहा कि अपनी मातृभूमि के बारे में गांगुली ऐसा कैसे बोल सकती हैं? रूपा गांगुली के लिए यह पब्लिसिटी पाने का सस्ता तरीका है, ऐसा आरोप है शिवेंद्र देव चटर्जी का। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से हिंसा की आग रह रहकर बढ़ती जा रही है। एक ओर दार्जिलिंग में जारी गोरखालैंड आंदोलन और 24 परगना के बशीरहाट में हुई सांप्रदायिक हिंसा के चलते राज्य में लगातार अशांति का माहौल बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में अस्थिरता फैलाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर ये उठता है कि क्या नेताओं के मंत्रियों के आपस में इस तरह की बयानबाजी शोभनीय है? जब वो सत्ता पर आकर प्रतिनिधि बनकर इस तरह की बयानबाजी देते हैं तो राज्य की जनता की क्या बात करें? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया राजनीति की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।